सो so क्वेश्चन है वॉकिंग हाफ ऑफ द यूज़ुअल स्पीड तो स्पीड क्या हो रही है हाफ हो जा रही है पहले एस थी एफ हाफ एस हो जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है इट रीचेज ट्वेंटी मिनट्स लेट टाइम कितना हो रहा है ट्वेंटी मिनट्स लेट ट्वेंटी मिनट्स लेट एंड फाइंड इट यूजअल टाइम यूज़ुअल टाइम निकाला यूजल टाइम क्या है इसका तो हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस सेम ट्रैवल करें डिस्टेंस सेम है तो हमें बताए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस अगर सेम uh, है तो हमारा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम के तो अगर स्पीड हाफ हो रही है तो टाइम कितना होगा टाइम अगर पहले एक्स है तो टाइम डबल हो जाएगा टू हो जाएगा तो कितना बढ़ा है टाइम अगर इधर देखें तो वन बढ़ा है लेकिन बढ़ना कितना चाहिए ट्वेंटी मिनट तो इसमें कह रहा है ट्वेंटी मिनट लेट हो रहा है तो टाइम कितना बढ़ा है ट्वेंटी यहाँ पर ट्वेंटी कर देंगे तो पहले टाइम कितना होगा ट्वेंटी मिनट तो अभी कितना है फोटी मिनट्स तो इसमें यूजुअल टाइम पूछा तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा ट्वेंटी मिनट तो अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे रनिंग डबल ऑफ इज यूजअल स्पीड सपोज स्पीड पहले कैसी थी एस थी अब टू एस हो गई तो अब इसमें पर्सन इम्प्रूव हिज टाइमिंग बाई फिफ़्टी मिनट्स इम्प्रूव हिज टाइमिंग मतलब इम्प्रूव का टाइमिंग मतलब जल पंद्रह मिनट जल्दी पहुँच जा रहे हैं फिफ्टी मिनट अर्ली पहुँच जा रहे हैं फाइंड द यूजल टाइम टू कवर द डिस्टेंस सो यूजल टाइम निकालना है. तो हमें पता है डिस्टेंस सेम है तो स्पीड डबल हो रही है टाइम कितना हो जाएगा टाइम अगर पहले टू एक्स मान लिया तो पहले एक्स हो जाएगा हाफ हो जाएगा या एक्स एक्स बाई टू लो टू एक्स एक्स ले लेते हैं पहले जितना टाइम था तो उसका हाफ हो जाएगा बिकॉज स्पीड डबल हो रही है तो टाइम हाँ हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा हाँ कितना डिफरेंस आ रहा है वन आना कितना चाहिए पंद्रह मिनट का तो पहले जो टाइम होगा 30 तीस मिनट होगा अब जो टाइम होगा दैट विल बी फिफ्टीन मिनट